बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी डिश लेकर आई हूँ जिसका नाम है शवरमा राइस प्लेटर। तो आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। नोट कर लीजिए इंग्रेडिएंट्स। कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, धनिया है 1 टीस्पून, काली मिर्च है 1 टीस्पून, 1 कप दही है हमारे पास, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ 1 टीस्पून, लेमन जूस है 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून, और चिकन है हमारे पास 1/2 kg। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डालेंगे इसमें अदरक लहसुन हम, उसके बाद डालेंगे कुटी लाल मिर्च, धनिया पिसा हुआ, पिसी काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, भुना हुआ नहीं है ये, सिर्फ पिसा हुआ है सिंपल, लेमन जूस है 1 टेबलस्पून, और दही है हमारे पास 1 कप, 2 टेबलस्पून ऑयल है, को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करके इसको 30 मिनट के लिए हम तकरीबन छोड़ देंगे, जब तक ये अच्छे से, नमक अपने हिसाब से आप डालिएगा जितना आप खाते हो, अच्छे से मैरिनेट करेंगे। ये हमारी शवरमा की चिकन तैयार हो रही है, इसको हम तकरीबन छोड़ देंगे आधा घंटे के लिए, जितनी देर में हम दूसरी सॉसेज की तैयार करेंगे बस इसको अब हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम दूसरी चीज़ों की तैयारी शुरू करेंगे। अब हम बना रहे हैं टाइनी पेस्ट जो शवरमा में इस्तेमाल होता है। ये लिए हमने तिल, आधा कप तिल लिए हैं, और जैतून का तेल लिया है 1/2 कप। तिल को हम रोस्ट कर रहे हैं, इतना रोस्ट करना है कि बस हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाएंगे। ये बच जाए तो इसको आप फ्रीजर में रख सकते हैं, 1 महीने 2 महीने के लिए चलता है। दो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके बस, जैतून का तेल और तिल। बिल्कुल हमने इसको एक पेस्ट की तरह से बना लेना है। अभी मैं आपको तैयार करके इसकी शक्ल दिखाऊंगी। तिल हमारे हो गए हैं लाइट ब्राउन, अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे। हम टाइनी पेस्ट की तैयारी करेंगे, इसके लिए हमने तिल जो ऑलिव ऑयल में पीसे थे, ब्लेंड किए थे, ये वो पेस्ट बन गया। ये लिया हमने 1/2 कप, टाइनी सॉस कहलाएगी ये। पहले इसका हमने पेस्ट बनाया, अब हम इसकी सॉस बना रहे हैं टाइनी की। ये अरबिक सॉस है, शवरमा में और अरबिक जितनी भी डिशेज हैं उसमें इस्तेमाल होती है। 1 कप मायोनीज जाएगी इसमें, 2 टेबलस्पून क्रीम है, 2 टेबलस्पून नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून, लहसुन है बारीक चॉप किया हुआ 2 टेबलस्पून, हमारा पेस्ट रेडी हो गया। तो अच्छे से मिक्स करना है, तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं अच्छी तरह। अब हम बनाएंगे मायो चिली सॉस।
ये हमारा रेडी हो गया। मायो चिली सॉस की तैयारी करें। मायो चिली सॉस के जो अज्जा हैं उसमें 3/4 कप मैंने केचप लिया है, 4 चम्मच मैंने मायोनीज के लिए हैं, 3 चम्मच मैंने क्रीम के लिए हैं, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च है, 2 टेबलस्पून चिली सॉस है। आइए अब हम इसको मिक्स करते हैं। मायोनीज डालेंगे इसमें, 4 चम्मच ली है हमने, 4 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून क्रीम ली है हमने, ये इसमें जाएगी, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च है, 2 टेबलस्पून चिली सॉस है, नमक टू टेस्ट है, ये मायो चिली सॉस है हमारी, मिक्स हो गई है, ये भी थोड़ी फटी फटी नजर आ रही है, इसको बिल्कुल एक जान करना है हमें, क्रीम की शक्ल दे देंगे। हमारी मायो चिली सॉस तैयार हो गई। अब हम सब्जियों को विनेगर में डिप करेंगे। हम अपनी सब्जियों को विनेगर में डालेंगे। ये 1 कप तकरीबन हमारे पास शिमला मिर्च है, स्लाइस लंबी कटी हुई है, 1 ही कप गाजर है हमारे पास, खीरा है, 1 कप भर के सिरका है हमारे पास, ये 1 कप हमने पानी लिया है, ये हो गया, और 1 कप प्याज है हमारे पास साइज कटी हुई, इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। ये हो गया हमारा तैयार, इसको हमने डिप कर दिया है सिरके में और पानी में, और कुछ नहीं डाला है मैंने इसके अंदर। ये चिकन जो हमने मैरिनेट की थी अब उसको हम फ्राई करेंगे। 2 चम्मच ऑयल डाला है, 2 चम्मच हमने इसमें डाला था, अच्छे से कुक करेंगे हम इसको, हमें अच्छे से गलाना है। शवारमा की चिकन बहुत अच्छी गली भी होती है। चिकन का पानी खुश्क हो गया है हमारी, ये रेडी हो गई है। इसके बाद हम राइस की तैयारी करेंगे। आधा कप हम तेल डालेंगे, थोड़ा सा और डाल रही हूँ। अब चिकन हमारी तैयार हो चुकी है। 5 से 6 लौंगे हैं हमारे पास, 5 से 6 काली मिर्च हैं, 1 टीस्पून जीरा है, ये इसमें मैं डाल रही हूँ। हमने कड़कड़ाने हैं, उसके बाद इसमें हम अदरक लहसुन डालेंगे, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन है हमारे पास, अब ये हम अदरक लहसुन डालेंगे। थोड़ा सा भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल ना आए राइस के अंदर, और फिर हम पानी डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, अदरक लहसुन हमारा हो गया है, भुन गया है, 1 जग मैंने पानी डाला है, आधा जग मैं और डालूंगी।
मैंने राइस लिए हैं 3 कप। मैं इसमें हल्दी शामिल कर दूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। एक हम यखनी की क्यूब इस्तेमाल करेंगे। नमक डाल देंगे, नमक लिए 4 स्पून। जब तक ये यखनी अच्छे से हो जाए फिर हम इसमें राइस डालेंगे। राइस लिए मैंने 3 कप। ये बासमती राइस हैं, सिर्फ 15 मिनट के लिए भिगोए गए। अब मैं इसको डाल दूंगी चावलों पानी के अंदर। डाल रहे हैं, पानी में उबाल आने लगा है हमारे। चावल मैंने इसमें डाल दिए। अच्छे से उबल जाएं 10 मिनट के बाद फिर मैं इसको लो फ्लेम पे दम के लिए रख दूंगी। अब हम प्लेटर को बनाने लगे हैं। प्लेटर में अगर आप चाहें तो 2 पीटा ब्रेड भी लेकर उसके अंदर आप जिस तरह से शवारमा होता है उस तरह से भी बना के आप 2 रख सकते हैं साथ में। प्लेटर है, उसमें आप कुछ थोड़ी 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 सी चीज़ें जो है इसमें से तमाम वो रख सकते हैं। ये मायो चिली सॉस है, ये टाइनी सॉस है हमारी, और ये वेजिटेबल्स हैं सारी जो सिरके में हमने डिप करेंगी, और ये चिकन है हमारी। ये पीटा ब्रेड के ऊपर मायो लगा के इस तरह से शवारमा होता है। ये हम लगा रहे हैं पीटा ब्रेड के ऊपर मेयोनीज। चिकन डालेंगे इसके अंदर पहले। सॉस डालेंगे टाहिनी। चिली सॉस डालेंगे, चिली मायो चिली सॉस जो हमने बनाई थी वो डालेंगे। अब जो वेजिटेबल्स अपने सिरके में डिप करके रखी थी वो डालेंगे इसमें। आप इसमें वो सिरके में आप इसमें सिरके वाले पिकल्स भी डाल सकते हैं। ये हम इसको रैप करते हैं अभी। हो गया, अब हम चिकन निकालेंगे। ये राइस हमारे रेडी हो गए हैं जो भी आपके सामने तैयार किए थे। एक साइड पे अब हम अपनी टाहिनी सॉस डालेंगे। चिकन डाल रहे हैं अब इसके अंदर। अपना प्लेटर तैयार कर रहे हैं। ये चिकन गई इसके अंदर, अब ये वेजिटेबल्स जाएंगी इसमें। वेजिटेबल्स में हमने गाजर खीरा प्याज 1-1 कप ली थी,
और इसको हमने सिरके में और पानी में मिक्स करके भिगोया था। मायो सॉस डालेंगे। हमारा प्लेटर तैयार हो गया है। आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आपको, और मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह निगेबान।